अरविंद केजरीवाल के सरेंडर के बाद आम आदमी पार्टी के विधायक सोमनाथ भारती से हमारे संवाददाता मोहित शुक्ला ने खास बातचीत की। अरविंद केजरीवाल ने सरेंडर कर दिया है, हमारे साथ बातचीत करने के लिए सोमनाथ भारती जी हैं। 4 जून को बहुत कुछ साफ होने वाला है। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि एग्जिट पोल पर मत जाइए। सोमनाथ भारती हैं, हालांकि आप थोड़ा सा लेट हो गए, अरविंद केजरीवाल जी ने सरेंडर कर दिया, अब आगे की रणनीति क्या होगी, आगे का कदम क्या होगा? हम सब 4 तारीख का इंतजार कर रहे हैं, चूंकि एग्जिट पोल भाजपा आयोजित है, माननीय मोदी जी आयोजित एग्जिट पोल है, और एग्जिट पोल के माध्यम से बताने का प्रयत्न कर रहे जनता को कि भाई हमारी सरकार बन रही है। जैसे मैंने पहले भी कहा है कि भाजपा की सरकार नहीं बन रही, मोदी जी प्रधानमंत्री इसी बार नहीं बन रहे हैं, देश बिल्कुल तैयार नहीं है माननीय मोदी जी को तीसरा प्रधानमंत्री बनाने के लिए, और इसलिए 4 तारीख का इंतजार करें। एग्जिट पोल चारों खाने चित होगा और इंडिया गठबंधन सरकार बनेगी। आपकी सीट पर क्या होने वाला है, क्योंकि 28 सालों के बाद काले कोट के सामने काले कोट वाला है। हमने देखा था कि सुषमा स्वराज और कपिल सिब्बल का मुकाबला हुआ था, और अब एक बार सोमनाथ भारती जी का और बांसुरी स्वराज का मुकाबला, क्या होगा 4 तारीख को? काले कोट में फर्क होता है, एक काला कोट है ललित मोदी भगोड़े का काला कोट, उसको बचाने वाला काला कोट है, एक काला कोट है विक्रम बुद्धि काला कोट, उसको बचाने का काला कोट है। तो जो ललित मोदी भगोड़े को बचाने वाला काला कोट है, जो देशद्रोही काला कोट है, तो इसलिए इस बार तैयार रहिए। दिल्ली में 700 के 700 सीटें इंडिया गठबंधन की आएंगी। एग्जिट पोल पर कुछ कहना चाहेंगे, जो एग्जिट पोल आए हैं? एग्जिट पोल भाजपा मैनिपुलेटेड है, मोदी जी ने जानबूझ के ऐसा करवाया है जिससे कि वो गड़बड़ी कर सके। बड़ा आरोप लगा रहे हैं सोमनाथ भारती हमारे साथ हैं, वो ये कह रहे हैं कि एग्जिट पोल को आप एग्जैक्ट पोल मत मानिए, वो कहीं ना कहीं मैनिपुलेटेड पोल है, और जब 4 जून को नतीजे आएंगे तो बहुत कुछ साफ हो जाएगा। दिल्ली के तिहाड़ जेल से कैमरा पर्सन हुकुम सिंह के साथ मैं मोहित शुक्ला, भारत एक्सप्रेस।